नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। राहुल गांधी की ये 10 बड़ी गलतियों से हारी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव का नतीजा सामने है। एक समय पर देश की सबसे बड़ी पार्टी माने जाने वाली, देश पर 60 साल राज करने वाली कांग्रेस का फिर एक बार बड़ा पराजय हुआ है। 2019 चुनाव में पीएम मोदी के मुकाबले विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ही थे। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कई मुद्दे उठाए जिसको लेकर काफी चर्चाएं हुई और नतीजे आने के बाद उन पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें तो राहुल गांधी का चुनावी अभियान सियासी परिवक्ता की मिसाल बन गई है। राहुल गांधी की पहली गलती यह थी कि नरेंद्र मोदी को बार बार चौकीदार चोर कहना। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से भारत तो क्या विश्व भर में कोई अनजान नहीं था। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव से पहले ही राफेल डील मामले को लेकर चौकीदार चोर है का नारा देना शुरू कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में क्लीन चिट देने के बाद भी उन्होंने अपने इस नारे पर रोक नहीं लगाई। इस मुद्दे को लेकर उनका उतावलापन इस कदर था कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले में भी हस्तक्षेप किया, जिसका बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ और उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अपमानना का मामला दर्ज किया गया। राहुल गांधी की दूसरी गलती यह थी कि केजरीवाल से नहीं लिया सबक। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पीएम मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता है। यही बात राहुल गांधी नहीं समझ सके। उन्होंने बार बार नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। पीएम को नीतियों को लेकर कोई सवाल कर सकता है, लेकिन देश की जनता यह मानने को तैयार नहीं थी कि चौकीदार चोर है। राहुल गांधी की तीसरी गलती, ट्विटर के माध्यम से मोदी लाई का आरोप लगाना। चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए ट्वीट के माध्यम से हमला बोला था। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर मॉक इमेज शेयर की थी जिसमें एक शब्द मोदी लाई सर्च करते हुए दिखाया गया था। मोदी लाई शब्द के पीछे उनका मतलब था पीएम मोदी झूठे हैं। राहुल गांधी की चौथी गलती यह थी कि सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट के बाद भी राफेल डील पर डटे रहना। कहा जाता है कि उनके सलाहकार उन्हें जितना कहते हैं उतना वह रणनीति बना पाते हैं, यानी उन्हें देश के जमीनी मुद्दे के बारे में जानकारी ही नहीं है। उन्होंने एक बेमतलब के मुद्दे पर जरूरत से ज्यादा जोर दिया। राहुल गांधी की पांचवी गलती यह थी कि प्रियंका गांधी को बहुत देर से जिम्मेदारी देना। प्रियंका गांधी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश के महासचिव की जिम्मेदारी हाथ में ले ली। बहुत सारे नकारात्मक कारण निकाले गए। कहा गया कि मोदी का मुकाबला करने के लिए राहुल गांधी अकेले समक्ष नहीं है, इसलिए वे प्रियंका गांधी को लेकर आए। राहुल गांधी की छठवीं गलती यह थी कि देश में पार्टी संगठन का ना होना। संगठन के बगैर कोई पार्टी लंबे समय तक शासन नहीं कर सकती है। देश में कांग्रेस सबसे पुराने पार्टी है। इसके बावजूद कई राज्य ऐसे हैं जहां मजबूत पार्टी संगठन नहीं है। इसमें देश के सबसे बड़े राज्य यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल शामिल है। राहुल गांधी की सातवीं गलती यह थी कि कई राज्यों में गठबंधन नहीं करना। चुनाव के ठीक पहले तक शिवसेना और भाजपा के बीच काफी खींचातानी थी। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष ने आगे बढ़कर शिवसेना के साथ गठबंधन किया। दोनों पार्टियों को क्या था कि अगर वह अलग अलग लड़ेगी तो उन्हें भारी नुकसान होगा। यही कारण है कि दोनों ने गठबंधन का रुख किया। राहुल गांधी की आठवीं गलती यह थी कि दो जगह से चुनाव लड़ना और असमंजस पैदा करना। देश में पहले भी ऐसा हुआ है कि बड़े नेता पहले भी कई जगहों से चुनाव लड़ रहे और उसका लोगों के बीच सकारात्मक संदेह गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस बार दो जगह से उत्तर प्रदेश के अमेठी और केरल के वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़ा। इसका लोगों के बीच गलत संदेह लगा। राहुल गांधी की नौवीं गलती यह थी कि एजेंडा सेट नहीं कर पाए। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अपना एजेंडा सेट करने में नाकाम रही। वह देश गरीब लोगों मध्य वर्ग के लिए क्या करेगी यह समझने में असफल रही। हालांकि कांग्रेस ने देश में गरीबी के लिए नए स्कीम का बहुत प्रचार किया। राहुल गांधी की दसवीं यानी कि आखिरी गलती यह थी कि नेताओं के विवादित बयानों पर कोई रोक नहीं। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान अपने नेताओं के विवादित बयानों पर कोई रोक नहीं लगाई। इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा।
इस बार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और थिंक टैंक सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।